Shanti. है, फास्ट जाना ही है चाहे कुछ भी, भी न हो शांति वेलकम ओम शांति आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में आज है बारवा दिन दैवी संस्कार दैवी संसार एक धर्म और आइए अब मोहिनी दीदी से सुनते हैं शांति, आप सबको हर कोई ठीक है मैं देख सकती हूँ बहुत अच्छा है तो जी हाँ हम अव्यक्ति परिवार के रूप में हमें विशेष वरदान मिले हैं दादियों से अव्यक्त बाप दादा से दादी गुलजार जी से दादी जानकी जी से वो सब हमारे साथ हैं। so been, so तो हम बात कर रहे थे एक, एकता की तो हमारे दैवी संस्कारों में और देवी दुनिया में भी तो बाबा एक राज्य एक श्रीमत पर रचते हैं। तो हम बात कर रहे थे एक की तो आज हम बात करेंगे आज हम सोच रहे हैं और मंथन कर रहे हैं एक धर्म पर एक राज्य लेकिन फिर एक धर्म तो आ, आज कल देखो तो कितने धर्म होते हैं और फिर उनके कितनी टाल टारटहनिया होती हैं एक एक धर्म की बहुत बहुत टहनिया हर धर्म की ऐसा कोई धर्म है ही नहीं जिसमें एक हो तो कितनी सारी टहनिया हो गई है ना वृक्ष की तो बाबा कहते हैं कि जो बाबा कहते हैं ना धर्म में शक्ति है, है। तो, तो रिलीजन कहते हैं इंग्लिश में हिंदी में धर्म कहते हैं और धर्म का अर्थ है धारणा तो ताना। ताना। सबसे पहली धारणा बाबा बात करते हैं कि आत्मा का धर्म स्वधर्म है शांति और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सिंपल uh, शब्द है ना शांति लेकिन अंदर की शांति बनाए रखना जो कुछ भी बाह्य परिस्थितियाँ होती हैं और कई बार अंदर में भी कोई संस्कार uh, हलचल पैदा करते हैं लेकिन मुझे शांत रहना है क्योंकि देवी संसार को रचने में और चाहे देवी गुणों को धारण करने में ही तो सबसे पहला जो गुण है वो है शांति क्योंकि जब मैं शांत होती हूँ तो मेरे अंदर धैर्यता होगी तो स्वाभाविक रूप से स्नेह होगा मेरे अंदर तो सहन शक्ति होगी तो एक बहुत ही शांत मन रखना है और कर्म करते हुए कर्म करते हुए अगर मैं शांत हूँ तो मेरे संस्कार बहुत स्वाभाविक हो जाते हैं so, the... तो बाबा कह रहे हैं मुरली में भी की तो उस धर्म को आपका स्वाभाविक धर्म नेचर बना लो तो मेरा स्वभाव शांत हो जाए तो कई लोग कहते हैं ना मेरा स्वभाव ही ऐसा है लेकिन वास्तव में जो मेरा स्वभाव है वो शांत हो शांत स्वरूप, क्योंकि तब हम अंदर में खुश होते हैं संतुष्टता होती है तो आप बहुत हर्षित मुख होते हैं तो जब मैंने सुना स्वधर्म स्वधर्म का अर्थ है कि मेरा धर्म है शांति धर्म है शांति एक होता है कि सिर्फ कहना कि मेरे गुण हैं, तो वो अलग होता है लेकिन जब हम कहते हैं धर्म तो ये जैसे कि धर्म कहते हैं ना कि वो बहुत धार्मिक है, तो मुझे उस पे रहना होता है, अपने धर्म पर। तो जो And वो है शांति और जब शांति होती है तो, तो ये बहुत गहराई से जुड़ा होता है स्वभाव से या आत्मा के स्वधर्म से ब्राह्मण के रूप से जो है पवित्रता so When... तो ये दोनों बहुत गहरी रीति से जुड़े होते हैं जब आप शांत होते हो तो आप पवित्र होते हो जब आप पवित्र होते हो तो आप शांत होते हो time, लेकिन इस समय पर अटेंशन देना है कि कोई विकारों के अंश भी मात्र भी ना हो हमने तो विकारों पर जीत पाई है तो हमने सारे विकारों पर जीत पाई है लेकिन बहुत बहुत सूक्ष्म रीति से कई बारे जो अंश है या जो संस्कार है वो पुराने उससे उभर आते हैं संस्कार कोई ना कोई इच्छा के संस्कार या लोभ के संस्कार और, और चाहिए और, और कि मुझे साधन पहले चाहिए और बाबा चाहते हैं कि हम कोई भी किसी भी चीज पर आधारित ना हो निर्भर ना हो क्योंकि आज हाँ हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम इतना यूज तो हो जाते हैं उन चीजों के अगर हमें नहीं मिलते तो हमें लगता है कि बहुत हमारे परेशान हो जाते हैं उनके बिना But, say, yes, लेकिन बाबा कहते हैं हाँ उनका प्रयोग करो लेकिन उन पर निर्भर नहीं हो जाओ लेकिन उसके साथ साथ कोई तरह का सूक्ष्म रूप में कोई चिड़चिड़ापन हो या अधैर्य हो जाए लगाव लोभ तो सिर्फ ये चेक करना कि क्या पवित्रता मेरा स्वाभाविक मेरा नेचुरल स्वभाव है क्योंकि वही ब्राह्मणों का स्वधर्म है बाबा के बच्चे लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि ये बहुत जरूरी है कि सत्यता हो जीवन में सत्य हो कहते हैं ना सत्य मेव जयते सत्य की जीत होती है so, तो कई हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं कोई उसमें so, दादी जानके कहते थे कि बहाने लगा देते हैं okay. बहाना भी झूठ होता है बहाना बनाना भी झूठ है of... लेकिन सत्य उस रूप से कि आत्मिक स्मृति में कि मैं एक सत्य स्वरूप सत्य मेरा धर्म है तो ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि सत्य मेरा धर्म है मुझे पता है कि दादी प्रकाश मनी जी एक बार उन्होंने सब भरी सभा में कहा था कि मेरे जीवन में मैंने कभी भी एक झूठ भी नहीं बोला Something... क्योंकि ये कई बार डर के कारण भी हो जाता है ना नई बार होता है ना कि इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि बच्चों को पर क्रोधित नहीं हो क्योंकि वो सबसे पहले क्या करेंगे कि वो झूठ बोलेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि उनको सजा दी जाएगी तो लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ जैसे वो बच्चों को सत्य बोलने को कहते थे वो बहुत स्नेह के साथ हमने इतनी कहानियां सुनी है ना ब्रह्मा बाबा की बहुत प्यार से वो चीजें कहते थे ताकि वो सत्य बोले लेकिन डर नहीं पैदा करना क्योंकि जब हम डर पैदा करते हैं तो वो तो क्योंकि फिर उससे हम चाहते हैं कि वो जो भी चीजों को वो बदल दे या चाहे वो झूठ बोल के बताए या जो कुछ भी तो ये इन तीन गुणों से बाकी दिव्य गुण जो है वो उभरते हैं और फिर जब हम उनको प्रयोग करते हैं तो देवी संस्कार भी बनते हैं और इसलिए हम फिर निमित्त बनते हैं देवी संसार की रचना के लिए लेकिन उसके साथ साथ अंदर में जब हमारे पास तीने होते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली अनुभव करते हैं बल क्योंकि अगर किसी कारणवश अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमेशा वो अंदर में भावना होती है गिल्ट आता है अपने ऊपर दोष की भावना आती है या डर भी आता है और एक कहावत है कि किस सत्य आप सिर्फ एक बार कहते हो लेकिन अगर आप झूठ बोलते हो किसी बात के लिए तो फिर आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ता है उसको छुपाने के लिए और ये उसका अंत नहीं होता है एक और झूठ एक और झूठ लेकिन अगर वो सत्य होता है तो वो सत्य होता है ना तो आपको दूसरी बार उसको बोलना नहीं पड़ता तो क्या बाबा चाहते कि हम कि हमारा जो स्वभाव है वो नेचुरल रूप से शांत हो जाए पवित्र हो जाए और सत्य हो स्वरूप हो जाए और वो शक्ति है वास्तव में हमें मदद करती है कि हम सत्युग में राज्य करें stage, और संगम युग पर भी अगर हमारे पास ये तीन मुख्य या इसे चाहे आप धर्म का भाग कहें या शक्ति कहें तो ये बहुत ही निराला है ना क्योंकि इसकी अपनी शक्ति है हमारे संकल्पों में हमारे संबंधों में चाहे या जो कुछ भी हमारे पास है तो वो सत्य पर आधारित है मुझे लगता है कई बार मुझे बहुत प्रा, प्राउड फील होता है कि कैसे मैं बाबा के बच्चों के बारे में बात करते हूँ कैसे वो सेंटर चलाते हैं सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी पर लोभ पर नहीं कि हमें और चाहिए या इच्छाओं पर या नाम मान शान के लिए नहीं। शुद्ध संकल्पों के आधार पर के बाबा का कार्य है और बाबा ने कहा था कि साहेब राजी होता है तो आपका भंडारा और भंडारे दोनों भरपूर रहेंगे इतने भरपूर रहेंगे बाबा ने कहा कि आपके पास बचत भी होगी इतना भरपूर रहेंगे तो ये बहुत बहुत सुंदर है सोचना कि एक राज्य में एक धर्म हम सारे इकट्ठे होंगे वहाँ पर है हम सारे इकट्ठे होंगे ना उस दैवी संसार में अभी भी हम इकट्ठे हैं और वहां पर भी हम इकट्ठे होंगे जी हाँ मैं देख सकती हूँ हर कोई खुश है तो हम सारे इकट्ठे होंगे ओम शांति ओम शांति ओम शांति तो आज हमारे कहानी का समय है व्यक्ति यात्रा में तो उससे पहले हम अपना होमवर्क लेंगे कल के लिए तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे फरिश्ते सिस्टर तानिया को आपका स्वागत है ओम शांति शांति, हरे को अभिनंदन तो मैं कहूंगी एक और कदम कदम भी महसूस नहीं हो रहा क्योंकि हमें जैसे लगता है कि एक हाई जंप दिलाता है बहुत ही विशेष कहेंगे कि कि हम अपना पुरुषार्थ पढ़ाए अपने पुरुषार्थ को यथार्थ बनाए इतने स्पष्ट रीति से और जरूर से बाबा के ज्ञान और श्रीमत पर आधारित तो ताकि हम अनुभव कर सके ज्यादा फल ज्यादा रिजल्ट अपने पुरुषवार्थ द्वारा तो मैं सही में आनंद दे रही हूँ इस ध्यान का ये जो तीन गुण हैं, जो हमारे स्वधर्म हमारे जो धर्म है आत्मा का स्वधर्म है अनादि स्वधर्म मैं कहूंगी ब्राह्मणों का भी अगर ताकि जिससे हम अपना भविष्य बनाते हैं शांति पवित्रता और सत्यता तो ये तीन गुण जो मुझे लगता है कि तो दिल इतना प्यासा है है आत्मा इतनी प्यासी है कि जब हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य तो जिससे नशा चढ़ता है और दिल भर जाता है तो अब कि हम उनको प्रैक्टिकली प्रयोग कर सके तो सही में हम उन फोकस करें ऐसे कि उस सबसे पहले उस पहली दिव्य दैवी संस्कारों को उभार सके ताकि हम अपने दैवी संसार बना सके तो आइए पहले हम अपना होमवर्क देते हैं कल के लिए इन विशेषताओं के आधार पर एक धर्म एक राज्य एक परिवार तो मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि जरूर से ये कि इस पुरुषार्थ के द्वारा हम सारे इकट्ठे जाएंगे और हम सारे इकट्ठे होंगे तो जैसे कि हम अभी इकट्ठे हैं तो एक धर्म एक धर्म बाबा सर्वशक्तिमान कहा जाता है तो धर्म जो वो स्थापन करते हैं उसमें शक्ति है आप जानते हैं कि आप देवी देवता धर्म के बनते हैं तो इससे आपको इतनी माइट मिलती है ओम शांति शक्ति मिलती है One एक धर्म बाबा इज कॉल दाइ थी बाबा को सर्व कहते हैं तो धर्म जो वो स्थापन करते हैं उसमें शक्ति होती है आप जानते हैं आप देवी देवता धर्म के बनते हैं और इसलिए आपको इतनी माइट प्राप्त होती है बाबा इज कॉल दाइट बाबा को ऑल भी कहते हैं तो जिस धर्म की वो स्थापना करते हैं उसमें माइट है शक्ति है That you become those आप of the... जानते हैं कि आप बनते हैं देवी देवता धर्म के तो इसलिए आपको प्राप्त होती है इतनी ज्यादा माइट

तो हम स्केजल बताएंगे अमृतवेला साढ़े तीन से पौने पांच बजे तक है योग रहेगा छह से सात बजे तक और हिंदी अव्यक्त मूल्य रहेगी सात बजे से साढ़े आठ बजे तक और फिर इंग्लिश तेलुगु तमिल में ट्रांसलेशन दी जाएगी मूल्य के समय और फिर कल अव्यक्ति बच्चों का क्लास रहेगा दो से साढ़े तीन बजे तक शाम को योग रहेगा छः से पौने सात और उसके बाद हिंदी श्रृंखला रहेगी और उसके बाद योग रहेगा साइलेंस में और फिर आ, इंग्लिश सीरीज होगी और अरेक भाई के साथ दिल से दिल की रू रिहान रहेगी और कल है सैटरडे तो हमारे हमारा अष्ट शक्तियों का भी प्रोग्राम सेशन रहेगा 11 से 12 बजे तक जो हर एक के लिए ओपन है और 11 से 12 बजे तक तो बहुत अच्छा जा रहा है ये तो इतने सारे एपिसोड हो गए हैं और ये एक और एपिसोड रहेगा तो कल तो कल अपने परिवार वालों को जरूर से याद दिलाएं तो और उसके साथ साथ आप किसी को भी बुला सकते हैं न्योता दे सकते हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अब हम अव्यक्ति यात्रा शुरू करते हैं आपका स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में मोहिनी दीदी के साथ जो है चैतन्य ज्योत रूहानी कहानियां जो हमें प्रेरणा देती हैं और हमको चमकाती हैं। तो आइए अब हम अपने फरिश्ते सिस्टर सिस्टर को बुलाना चाहेंगे। हैं आपका स्वागत है

हाँ उसी उसमें ओम शांति ओम शांति सिस्टर बॉडी फ्राइडे तो आज की कहानी है छोटी लेकिन बहुत शक्तिशाली है और आ, मैं म, मैं समझूंगा कि जैसे हमें कहानी पढ़ेंगे तो हम दीदी गेस्ट कर सकते हैं कि कहा से आई है so, तो ये है कहानी पिछले साल एक बहन बहुत सीरियस होके बीमार थे और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और डॉक्टर्स ने भी आज छोड़ दी थी उन पर मोहिनी दीदी ने हमको सहारा दे रही थी फोन कॉल के द्वारा और सकाश दे रहे थे उस आत्मा को हम सब सेंटर पर हमको बहुत ही Sister was Concerned था वो बहन की जो कंडीशन थी वो हर घंटे और खराब हो रही थी तो हमारी जूम कॉल हुई मोहनी दीदी के साथ उन्होंने बहुत ही आराम से कहा की वो बहन ठीक हो जाएंगी एवरी वन वॉज कम्पैशनेटली जैसे की हर कोई हम, हमें कह रहा था ये बात तो लेकिन जब मोहिनी दीदी ने ये कहा मैंने महसूस किया अंदर में कि बाबा ने उनके द्वारा बोला That gave to the soul. उसने उस आत्मा को हिम्मत दी मॉर्निंग अगले दिन सुबह वो बहन का यथारथ्री डायग्नोसिस हुआ और उनको सही ट्रीटमेंट मिला और वो अच्छी होने लग गई दिस होल एक्सपीरियंस और ये सारा अनुभव फॉर एवर अपॉन माई हार्ट वो मेरे दिल को छू गया हमेशा के लिए धन्यवाद बाबा धन्यवाद मोहिनी दीदी yeah, we... जी हाँ तो हम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जो महान आत्माएं होते हैं तो वो एक जादू ही करते हैं या हील करते हैं और मैं भी एक कहानी बताना चाहती हूँ क्योंकि एक चीज जो मैं मुझे कहना चाहूंगी कि कि जो कहानी जैसे कि ये वाली कहानी है जो आपने अभी बताए देव भाई जो मैं सुना रही हूँ तो आप ये नहीं सुनेंगे कि की खुद ये कहानी बताएंगे बाकी हो सकता है उनको बताएं लेकिन इतने सारे सालों में जब से ये हुआ है इंसिडेंट कि जो मैंने सुना सबसे पहले सुना जो रिलेटिव रिश्तेदार थे उनके द्वारा और फिर जो पेशेंट थे उनके द्वारा भी सुना मैंने कभी भी, भी सिस्टम होने को नहीं सुना कहते हुए या उनका जो पार्ट था उसके अंदर तो इसलिए तो वो प्रश्न का हो सकता है हिस्सा होगा बाद में तो क्या हुआ मैं कहूँगी कि कुछ तीस साल पहले एक आत्मा जिनका परिवार वो जो दो जनरेशन पहले थी वो वो बाबा के साथ बहुत अच्छी रीति चलते थे तो छह साल से वो ज्ञान में ही थे बी के परिवार में थी और वायुमंडल में थी लेकिन फिर खैर जब वो बीस साल के बीच के साथ साथ तो वो बहुत सीरियसली इल हो गई बहुत एकदम से ही बीमार हो गई और जैसे कि थोड़ा बहुत जैसे जो कहानी सुनाई कि वो डायग्नोज नहीं कर पा रहे थे उनको उनको लगा कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं और उनको लगा कि जैसे सिर्फ एक केस ही ऐसा था जो रिकॉर्ड हुआ था और इवन अभी आज तक भी उनको नहीं पता यथार्थ रही थी कि कैसे वो कैसे हुआ या कि कि हुआ क्या था और फिर ये बहुत बहुत ही एक्सट्रीम था तो वो जो पेशेंट आईसीयू में था उस समय पे तो जो उनके संबंधी थे उनको बुलाया गया क्योंकि वो वो सोच रहे थे कि वो तो शरीर छोड़ देंगे और फिर जो संबंधी वो आए और वो दूसरे देश में थे और हर कोई आया और तो मैं कहूंगी तीन बार कोड ब्लू भी हुआ जैसे जहां पे वो पल्स चली जाती है फिर उनको जैसे सांस बंद हो जाती है और उनके शॉक देते हैं और ऐसे चेस्ट कंप्रेशन करते हैं तो तीन बार ही वैसा कोड ब्लू हुआ और जैसे कि जो रिश्तेदार भी थे वो प्लान कर रहे थे या बात करने लग गए थे कि कि कैसे उनका अंतिम संस्कार करना है और कैसे उनका फ्यूनरल करना है फिर जब सिस्टर मोहिनी जो थे वो भारत में थे मधुबन में थे उस समय पे और मुझे नहीं पता कि पक्का कि क्या उ, वो उस समय वापस आ गई थी ये न्यूयॉर्क की बात है या तो सिस्टर मोहिनी जो थे और हर कोई परिवार में उनमें उनका बहुत निश्चय था सिस्टर महीने में और फिर वो गई हॉस्पिटल गई और एक जो सबसे पहली चीज़ जो जैसे जो मुझे याद आ रहा है क्योंकि जो मुझे कहानी बताई गई थी उस हिसाब से कि वो कोई बात कर रहे थे कि अगर वो शरीर छोड़ दे और क्या करना होगा ऐसे ऐसे बात करते और सिस्टम मोहिनी उन्होंने उनको कहा ऐसे नहीं करो कभी भी आत्मा के बारे में शरीर छोड़ने की बात नहीं करो जब आत्मा अभी भी शरीर में है तो बात नहीं करनी चाहिए तो गए गए उनके बेड के पास के। और जो पेशेंट थे एक थी ट्रेक कर रहा था उनको जैसे गले से उनका वो जाता था और वो कॉन्शियस ने उनका होश आ रहा था या नहीं जा रहा था तो कि वो इतनी ज्यादा उनकी बीमारी थी कि उन्होंने चार से छह महीने वो हॉस्पिटल में रही थी वो इतनी ज्यादा बहुत यंग लड़के थे पच्चीस साल की थी तो इतनी सिख हो गई तो सिस्टर मोहिनी फिर वो बेड के पास गई और तो पेशेंट को क्या याद उनको क्या महसूस हुआ कि सिस्टर मोहिनी ने उन्होंने कोई याद नहीं था कि उनका हाथ था या क्या था या उनका पैर था और जो सिस्टर मोहिनी ने क्या किया कि जैसे कि बाद में बताया गया उस उस लड़की के जो दादी द्वारा कि और जैसे कि उनको पता था अंदर में और जैसे मेरे लिए भी एक पार्ट हुआ क्योंकि मैं तो कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं गई ऐसे किसी के साथ लेकिन ये मैं अपने मन में रखती हूँ कि जो यंग लड़की थी वो जानती थी कि जो सारे लोग ये जो आंटीज हैं और जितने सारे उनके मा माता पिता हैं जो उनके दादी दादा हैं वो कमरे में थे उनको नहीं पता था कि वो क्या हो रहा है या क्यों वो वहां पे आए तो इसलिए जब सिस्टर मोहिनी जब वो गए और जब बहुत आराम से मसाज किया उनको तो उनको समझाया कि वो क्यों वहां पे हैं क्यों गई हैं और क्यों उनका पूरा परिवार वहां पे इकट्ठा हुआ हुआ है और जैसे कि आपने कहानी बताई पहले ये जैसे कि एक तुरंत ही वो क्षण था जैसे परिवर्तन का क्षण था वो खुद मैं उन्होंने महसूस किया सिस्टर मोहिनी द्वारा और वो मसाज उनको याद था और वो शब्दों द्वारा और जो भी उन्होंने समझाया और जैसे कि वो वहां पे टर्न अराउंड हो गया कि सब कुछ जैसे परिवर्तित हो गया उस पॉइंट के बाद और मैं बहुत खुश हूं बताने कि इतने सालों बाद जो वो पेशेंट है वो ठीक है वो ड्राइव भी करती हैं उनकी जो दादी ने उनको कहा था कि और ये इतना दिलचस्प है कि वो ये ऐसे नहीं कि सिस्टर मोहिनी आई थी आपके लिए लेकिन कि सिस्टर मोहिनी ने बाबा, वहां आपके लिए आए, कि बाबा ने सिस्टर मोहिनी को भेजा तो बाबा जरूर से उसमें उपस्थित थे तो जरूर से ये अच्छा होगा ये कहानी सुनना सिस्टर मोहिनी के मुख द्वारा लेकिन कुछ जो प्रश्न जो मेरे पास हैं और ये मैं कहूंगी दोनों परिस्थितियों में कि क्योंकि मैंने देखा है मैंने देखा दादी के साथ हर कोई हर कोई जैसे दुखी होता है बहुत ज्यादा दुख होता है जो प्यार करते हैं और सारे बहुत दुखी होते हैं लेकिन ये क्या है ये जो इन आत्माओं में कि ये देख सकते हैं बीमारी के उपरांत देख सकते हैं कि ये पूरी अलग रीति से देखते हैं मैंने देखा है दादी जान के एक बारी की एक परिस्थिति थी कोई किसी की मानसिक बीमारी थी और हम ऐसे इतने परेशान हो गए थे पर दादी तो बिल्कुल इतने ऐसे खीरे जैसे एकदम शांत कि जरूर से उसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला तो क्या हमारे प्यारे सिस्टम हुई नहीं आप हमें ज्वाइन करना चाहेंगे धन्यवाद सिस्टर वॉडी आप हमें वो कहानी बताने के लिए वो इस कहानी के साथ जा रही है और इसलिए तो एक जो एक दो प्रश्न है मेरे पास सिस्टर मोहिनी के साथ एक जो बात है कि कैसे वो उपराम जा सकती है जो हो रहा है क्योंकि ये लोग हैं जो हमेशा उनको भी स्नेह है इन सब के साथ और जो दूसरी चीज है कि, कि कल रात को मैं बात कर रही थी बाबा के बच्चों को लैटिन अमेरिका में उनसे बात रहे थे लेकिन हम सबका एक कमिटमेंट एक है बाबा के साथ लेकिन ये बहुत व्यक्तिगत है कि सोच रही थी कि सिस्टम वो, वो करती है वो कुछ ऐसे नहीं कि उसके लिए आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते मुझे नहीं लगता कि एफ साधना से जुड़ा हुआ है मुझे लगता है कि ये कोई गिफ्ट है या जैसे कि जिसकी पालना हुई है तो कुछ ऐसे कुछ ऐसा था उनका परमात्मा के साथ कुछ पुराने जन्मों में की वो की वो लोगों को हील कर सकते हैं तो हमें बताएं सिस्टर मोहिनी हम जानना चाहते हैं आपके राज ओम शांति आप सबको मुझे लगा कि आपको और कहानी नहीं मिलेंगे लेकिन पर ये कहानी मेरे लिए बहुत विशेष है मैं एक मैंने कहानी कभी नहीं भूली तो सिस्टम कि एक चीज जो मैं हर एक को बताना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी पेशेंट होता है या किसी को भी आप मदद करना चाहते हैं तो आपको आत्मा के साथ जुड़ना होता है सिर्फ शरीर को नहीं देखना होता या शरीर की कंडीशन को नहीं देखना होता क्योंकि मुझे याद है कि एक बारी मैं गयाना में थी तो मैंने किसी को विजिट किया और ये जो बहन थी ये कोमा में थी और मैंने उनसे बात करने लगी ऐसे आत्मा के रूप में और वो जैसे अपने हाथ हिलाने लग गए जैसे कि वो की चाहती है कि वो कोई उनका हाथ पकड़े तो मैंने उनका हाथ पकड़ा लेकिन इतना आश्चर्य उन्होंने उस तुरंत ही रिस्पॉन्स दिया क्योंकि जब आप आत्मा से जुड़ते हैं तो हमेशा याद रखना है कि कि उनका कोई कर्मों का खाता है ना और वास्तव में सिर्फ एक बाबा किसी के भी कर्मों के खातों को सेटल कर सकते हैं हाँ जरूर से हमारी शुभ भावनाएं होती हैं हमारी शुभ भावनाएं होती हैं शुभकामनाएं होती हैं लेकिन मुझे लगता है कि हम में से एक एक तो जब पूरी पवित्रता होती है तो हमारे हाथों में वो क्षमता होती है वो हीलिंग पावर की लेकिन सिर्फ देखना है माथे के बीच में और आत्मा से ही बात करनी है तो मुझे तो ये अच्छे से याद नहीं है कि देव भाई की कहानी कौन है लेकिन मुझे लगता है जो आप बता रहे हैं मुझे याद है कि वो मैं गई थी और मेरे से पहले एक तो उनकी शादी हुई थी हाल ही में तो ये जो तो वो क्रिश्चियन है तो वो नन थे तो जैसे आपको बारियां देते हैं ना पहले नन आई थी क्योंकि वो बीमार थे तो जब मैं गई और नर्स जो नन जो थे वो तब वहीं पे ही खड़े थे और वो कह रहे थे कि परमात्मा ये समय है ये इतनी छोटी है आपको एक्टिव रहना है आपको कुछ करना होगा ऐसे कुछ कह रहे थे वो प्रेयर में और उसके बाद जब मैं गई और मैंने अपना हाथ रखा उनके लंग्स के ऊपर रखा क्योंकि उनके लंग्स जो है वो फेल हो रहे थे और मैंने कहा कि क्या आपको याद है कि आप बाबा के साथ थे तो जब वो छोटे थे तो वो गए थे अपने दादा दादी के साथ मधु बन गए थे तो मैंने कहा आपको याद है बाबा ने क्या कहा आपको याद है अपने वरदान जो बाबा ने आपको दिए और मैंने उनका देखा हाथ आ, सिर हिलते हुए जी हाँ मेरे को याद है तो खैर वो आ, उसके थोड़े समय बाद में बाहर गई तो वो प्रश्न कर रहे थे क्यों हमारा योग कार्य नहीं कर रहा काम नहीं कर रहा और उन्होंने दादी गुलजार जी को भी मैसेज भेजा और मैंने कहा कि दादी गुलजार जी ने कहा कि क्योंकि आप सारे उनको आत्मा नहीं देख पा रहे तो आप उनको शक्ति नहीं दे पा रहे आप उनको अपने पोती या बच्ची देख रहे हैं या जो कुछ भी है क्योंकि जब मैं गई थी उसके थोड़े समय बाद उन्होंने तुरंत ही बुलाया कि क्या कोई आ सकता है लेकिन वो सारे तब चाय पीने गए थे और मैं गई उन्होंने आंखें खोले और वो जैसे कि रिस्पॉन्ड कर रहे थे तो जो नर्स थे और सारे वो खुश हो गए थे एकदम लेकिन जो सारी चीज़ है कि क्यों पूरा परिवार योग कर रहा था दिन रात योग कर रहा था और क्यों उनका जो शक्ति थी वो कार्य नहीं करे तो मैं हमेशा याद करती हूँ उस जब से मैं ज्ञान में आई हूँ कि ये आत्मा का आत्मा से संबंध है और बाबा भी मदद कर सकते हैं अगर हम आत्मिक स्मृति में होते हैं तो वो जो आत्मा थे थी, जो ठीक नहीं थे शरीर में हो सकता है वो आत्मिक स्वरूप में नहीं हो लेकिन आप आत्मा से जुड़े और हमेशा हमेशा सोचे कि ये बाबा है मैं मैं ये नहीं चाहती कि लोग ये जाने मैं चाहती हूँ कि वो विधि जाने क्योंकि ये विधि है कि अगर हम इसे प्रयोग करते हैं लेकिन एक चीज जो मैं कहूंगी कि जब से मैं ज्ञान में आई हूँ ये जो पूरी चीज है आत्मिक स्वरूप की और जो रूहानी संबंध की पता नहीं कि मेरा मोह नहीं था या क्या लेकिन जैसे कि बहुत रूहानी स्नेह था मेरे लौकिक के साथ भी लेकिन लगाव नहीं था तो मुझे लगता है कि अगर हर कोई जिसको भी आप जब भी आप किसी को देखते हैं अगर आप शुभ कामना कोई भी कामना देना चाहते हैं तो आपको वो आत्मिक स्मृति होनी चाहिए जरूरी है तो ये कभी नहीं सोचे कि ओ मुझे तो ये मैं इसको ठीक कर दूंगी मेरी शुभकामनाएं इसको ठीक कर देंगी नहीं बाबा वो करेंगे जैसे मैं याद दिलाती रहे उनको ब्रह्म बाबा के बारे में कि देखो क्या हुआ जब आप मधुबन गए थे कैसे इतना अच्छा था और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जब आप देखते हैं आत्मा को kind of और जैसे कि कुछ ना कुछ ऐसे आता है जैसे कि मैं कहूंगी कहना नहीं चाहिए जैसे कि जैसे गायत्री बहन के फादर टोरटो में थे जैसे कि उनका जैसे शरीर छोड़ने का समय था और मैं गई और मैंने कहा अंकल क्या हो रहा है तो जैसे बहुत ऐसे बात करी और हो सकता है मैंने हाथ रखा उनके जैसे छाती पे और उन्होंने आंख खोले और मैंने हर एक को बुलाया मैंने कहा कि देखो कि लेकिन वो आत्मा थी लेकिन क्या था मेरे अंदर की, की वो नहीं जाएंगे आज जरूर से आप तो उसको आगे नहीं बढ़ा सकते अगर उनका हो सकता है या जितने भी दिन थे या नहीं थे लेकिन लेकिन क्योंकि जैसे ही वो ये पवित्र संकल्प होता है आत्मा के लिए और आप आत्मा से जुड़ते हैं तो मुझे लगता है वहीं पे शक्ति होती है वहां पे हीलिंग होती है तो मुझे नहीं पता ये पुराने से है लेकिन मैं मुझे कभी इसके बारे में नहीं पता था एक बार ही मैं एक प्रोग्राम में थी मधुबन में हाँ मैं हमेशा लोग कहते हैं कि एक अमेरिकन आदमी थे जो क्वींस में आते थे और उनको एक हार्ट प्रॉब्लम थी तो वो हमेशा कहते थे कि आपके अंदर हीलिंग शक्ति है तो मैंने कहा नहीं कह रहे कि आप क्या सिर्फ मेरे आ, कलाई पकड़ सकते हैं मैंने कहा नो मैं किसी को छूती नहीं हूँ तो उन्होंने कहा नहीं एक बारी आप कर दो तो फिर तो अगले दिन जब वो आए तो उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जिनकी हीलिंग पावर होती है अगर वो प्रयोग नहीं करते तो वो विकर्म होता है तो अगर आप नहीं प्रयोग करें तो आपके लिए विकर्म हो जाएगा तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं वो नहीं करती तो और मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी कि, कि ये कि ऐसे जाना जाए ऐसे रूप से तो खैर तो मैंने कहा ठीक है तो वो इतने इतने दुखी थे बहुत ही बूढ़े व्यक्ति थे हो सकता है अस्सी साल में थे तो मैंने उनका ऐसे हाथ ऐसे पकड़ा उनकी कलाई पर और पता नहीं क्या हुआ उसके बाद लेकिन क्या मैं कह रही हूँ कि कई लोग जान भी जाते हैं तो पता नहीं कि ये हीलिंग पावर है या ये बाबा है तो आप सबने सुना होगा ना ये कहानी रमा बाबा की और दादी प्रकाश मनी की भी दादी जान की भी तो वो सिर्फ आत्मा को देख रही थी आधे घंटे तक और उनका ये दृढ़ संकल्प था कि उनको वापस आना है और ये बहुत बहुत सीरियस केस था वो तो मुझे लगता है कि हम सब जब भी हमारे को मौका होता है या हमें कहा जाता है कि हम कोई पेशेंट को देखने जाएं हमेशा ये संबंध हो आत्मा का आत्मा से संबंध तो शरीर को नहीं देखना कि क्या बीमारी है वो आता शरीर में लेकिन दोनों रीति से होता है कि अगर किसी को शरीर छोड़ना है मान लो अगर शरीर छोड़ना भी है और वहाँ like, पे है लेकिन फिर भी कहीं ना कोई वो आत्मा को वो आराम मिलता है तो दोनों रीति से होता है एक तो है कि वो ठीक हो रहे हैं तो बहुत अच्छे से जादुई रीति से जैसे बच जाते हैं लेकिन मुझे लगता है कि आत्मा का जो आत्मा से संबंध है वो बहुत जरूरी है चाहे ये पेशेंट के लिए हो या हमारे आपस में हो क्योंकि इसमें इतना शुद्ध स्नेह होता है जो आत्मिक स्मृति में इतना शुद्ध स्नेह होता है बहुत शुद्ध ऊर्जा आत्मा से आत्मा तक जाती है तो अभी हाल ही में मैं एक मीटिंग में थी और बहुत समय बाद तो मैं इमोशनल हो गई तो क्योंकि मुझे लगा कि क्या लोग कार्य के कॉन्शियस हो रहे हैं या जगह के क्या हम रूहानी स्नेह से सेवा करें या हमें कुछ और चाहिए और अगर कुछ रूहानी स्नेह है तो वॉली बहन आपके अंदर भी है वो कि जैसे कि तो फिर जैसे आप देते हो जैसे आप लोगों को देखते हो तो उनकी पालना होती है ना लेकिन अगर आप ओ, ये ठीक है ये अच्छा है इसमें तो ये ऐसे करे जैसे कि हमेशा कोई ना कोई बीच में आ जाता है कुछ शुद्ध स्नेह के बीच में कुछ आ जाता है और मुझे लगता है कि आ, हम जो निमित हैं बाबा के जहां पर भी हम हैं बाबा कहते हैं कि इच्छाएं मत रखो रूहानी स्नेह रखो और आप देखेंगे कि कैसे इन दिनों मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो क्वालिटी हैं तो उनको समर्पित होना है बाबा को लेकिन हम देखते हैं इतनी सारी चीजें देखते हैं ना और फिर हम देखते हैं कि कि अभी भी उनको और बड़ा होना है लेकिन जो रूहानी स्नेह जो होता है जो हमें सेवा करनी चाहिए मैं कह रही थी लेकिन मैं बहुत बोलूंगी कि कोई भी कोई और भी इच्छा नहीं होनी चाहिए सिर्फ सेवा रूहानी स्नेह से क्योंकि इतने इतने आत्माएं हैं इन दिनों में उनको महसूस करते हैं उनको सब बंद कर देना है उनको बाबा के लिए समय देना है बाबा को ही समय देना है लेकिन अगर मेरे अंदर रूहानी स्नेह है तो हम मदद कर सकते हैं ताकि वो निर्णय ले सके लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है उनकी पालना हो सकती है ना अच्छी रीति से वो लेकिन अगर हम नहीं ये तो बड़ी जगह है और लोगों को आना चाहिए कई कहते हैं कि बहुत ही कार्य जैसे सोचते हैं कार्य रूप से हाँ जरूर से रूहानी स्नेह और आपको कार्य तो करने ही है लेकिन ऐसे नहीं देखे कि कौन कर रहा है क्या उसके आधार पर स्नेह नहीं हो अगर आप स्नेह देते हैं सच्चे दिल से और लोगों को महसूस होती है वो शक्ति उसने महसूस होता है तो अगर वो खुश है तो सब कुछ ठीक हो जाए सब कुछ हो जाएगा ना just... पैसा भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगा लोग जैसे कि मदद देना चाहेंगे लेकिन मुझे लगता है कि हमें वो चाहिए बहुत बहुत जैसे बाबा के स्नेह के रूप में देखो हम सबको हमारी पालना तो बाबा की स्नेह से ही हो रही है ना बाबा ने कभी भी आ, जरूर से जानते थे बाबा हमारी विशेषता जब मैं सोचती हूँ कार्य की जो मैंने करे मैं तो मान भी नहीं सकते कि वो मैं था कि मैं ये काम करूंगी वो कार्य करूंगी लेकिन ये बाबा का स्नेह था ना तो अगर हम वो कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत शक्तिशाली होगा तो आप देखेंगे कि उसमें कितनी प्राप्ति होते हैं लेकिन कोई इच्छाएं नहीं रखने तो सिस्टम वो क्या आप देख रहे हैं कि उसका ब्राह्मण परिवार में क्या वो बढ़ रहा है कि साहेब को राजी करना मुझे भी लगता है मैं समझती हूँ कि वही ये एक जादुई है और ये जरूरी भी है और क्योंकि हम बहुत पुरुषार्थ कर सकते हैं कई बार लोग मुझसे पूछते हैं क्या पुरुषार्थ में करो तो मैं ये भी नहीं जानती कि मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ लेकिन अब बाबा के साथ ईमानदार रहना है सही रीति करना है बाबा को फॉलो करना है तो जैसे कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे जीवन में क्योंकि मुझे सीधा रास्ता चाहिए तो मुझे रमा बाबा को ही फॉलो करना है तो मैं इधर उधर किसी आत्मा को नहीं देखती किसी से भी ज्यादा नहीं सुनती मैं सिर्फ कहती हूँ कि मुझे बाबा को फॉलो करना है बाबा के कदमों पर चलना है ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊं जो बाबा ने हमें दिखाए हैं और हमें गाइड कर रहे हैं मैं जरूर से हर एक को ये कहूंगी कि रूहानी स्नेह हो और फॉलो फादर करें लेकिन हमेशा याद करें कि कौन है जो जो हमें शक्ति दे रहे हैं कौन है जो हमें लायक बना रहे हैं हमेशा बाबा है ना <laughs> तो वो जरूरी है I, I मुझे इससे परिवर्तन हो जाएगा जहाँ पे हम हैं मैं सोच रही थी और हो सकता है आपने इसका उत्तर पहले ही दे दिया हो कि अगर जब आप निमित होते हैं और जब आप नहीं सोचते कि आप निमित हो लेकिन उस उस हीलिंग में जैसे कि एक महात्मा थे जो मैंने सोच में था महात्मा के बारे में तो उनको कैंसर हो गया था और जो उनके फॉलोअर ने उनको कहा कि आ, कितना इतना स्नेह था कि हम आपका कैंसर लेने हम लेना चाहते हैं आपका कर्म लेना चाहते हैं कि वो इतने फॉलोअर्स नहीं करते थे तो उन्होंने कहा कि कि आपने ही मुझे पहले रूप में दिया तो जैसे कि क्या ये हो सकता है क्या आप देख सकते हो औरों के कर्म ले सकते हो क्या आप उनके कर्म को मुक्त कर सकते हो उनको उनके कर्म से हो सकता है वो सोच गलत है वहाँ पर लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपके पास बाबा है आपके मन में जैसे कि कई बारी जो लीडर्स होते हैं जो हीलर्स होते हैं वो हील करते हैं और फिर वो थक जाते हैं जैसे क्योंकि वो कुछ वो ऊर्जा लेते हैं तो क्या ये क्या ये एक विचित्र प्रश्न है हो सकता है गुड डेव व्हाट डिड यू गादर फ्रॉम दिस इवनिंग कहा, तो, तो उन्होंने कर दिया ताकि मैं उनको सुन सकू तो आपने सुना ना की साई बाबा ऐसे करते थे ऐसे जादू करते थे एक गुरु थे आ, इंडिया में और वो जाने जाते थे इसके लिए तो लेकिन उनकी किताब में उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने लिखा कि वास्तव में कि कोई भी ये कर्म होते हैं और कर्म कर्म होते हैं अगर आप उनको अभी चुप नहीं करो तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं चुप करने होंगे तो लेकिन मुझे महसूस होता है कि ये जैसे कि बाबा कह रहे हैं कि विघ्न नाशक जैसे कि बाबा ने कहा तो विघ्नों पर जीत पाना और दादी जान के हमेशा कहते थे जब भी जब भी मैं सर्जरी के लिए गई या हमेशा कहते थे आप प्रकृति जीत बन रहे हैं आप प्रकृति को भी पावन बना रहे हैं लेकिन जैसे कि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये कर्मों का खाता चुप हो रहा है तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि लोग सोचते हैं कि मेरा कर्म है जो चुक्तु होने के तो कह रहे मैंने तो इतने श्रेष्ठ कर्म करे हैं कि कि मेरे पास तो बहुत जमा है तो मेरे पास कुछ माइनस नहीं है लेकिन मैं भी ये महसूस करती हूँ तो ये स्वभाव होना चाहिए ह्यूमन का कि हम कहीं ना कहीं रुके जैसे कि कि अगर आप 80 कुछ साल के हैं तो लेकिन हम आगे चलते रहते हैं तो जो स्वभाव कहीं ना, ना, ना कहीं स्वभाव कहता है कि अच्छा अब आपको फरिश्ता होना है अभी आपको अव्यक्त तो होना है वरना तो वो होएगा नहीं ना तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि जो तत्व हैं वो भी पाठ बजाते हैं मैं ये नहीं कहूँगी कर्मों का खाता है लेकिन अंत में और वही मैं कहती रहती हूँ कि मधुबन में भी या दादियों को या निर्वैर भाई को कि क्यों ये ज़रूरी है कि कुछ समय के बाद आपको ये करना है ये करना है और मेडिकल ये करवाना है और हमने इतनी सारे हम जानते हैं कि एक मूल्य है उस आत्मा की शरीर में लेकिन उसके साथ साथ कई बार मैं देखती हूँ कि एक समय होता है कि हमें आत्मा को जाने देना चाहिए ना तो फरिश्ता बन जाए तो मैं बाबा को कहती रहती हूँ आज में मैं बाबा से बात कर रही थी मैंने कहा बाबा मैं तो फरिश्ते रूप में जाना चाहती हूँ मैं ये नहीं चाहती वो सब वो सालों तक बिल्कुल शरीर का ख्याल रखा जा रहा है हाँ मेडिकल रूप से वो व्यक्ति को जिंदा रख सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ रूहानी रूप से भी मैं महसूस करती हूँ मैं बाबा को कहते रहती हूँ बाबा जैसे आप गए मैं भी वैसे ही उस रीति जाना चाहती पर तो जी हाँ मुझे लगता है कि हम आत्मा को मदद कर सकते हैं जब आत्मा कुछ किसी चीज के द्वारा गुजर रही है कि वहाँ उपस्थित होके या उसको मदद देकर और उपस्थित होके भी मदद कर सकते एक बार दादी जान की बहुत बीमार थे अहमदाबाद में जब निर्वैर भाई ने मुझे कॉल किया क्रिसमस डे पे तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ आ जाओ यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ तो तो वो तो वो बहुत बीमार हो भी जाते थे लेकिन फिर बात गई बात करी तो क्या उनको कहना है उनकी इच्छाएं क्या है तो मैं ये चाहती हूँ ये इस, इस जगह से सेवा हो इस जैसे जगह में सेवा तो वो बोलते रहने का हम सब करेंगे आप सिर्फ हमें बताइए तो कई बार जैसे कि जो व्यक्ति होता है तो जिनसे कोई भी पेशेंट बात कर सकता है तो वो जैसे कि कोई कोई जो भी भार या कहेंगे जो भी कंसर्न है वो हटा सकता है तो हम हर कोई ना कोई रीति से मदद कर सकते हैं मुझे अभी तक भी याद नहीं कि भूमि बहन मुझे याद कहानी की देव भाई से तो मुझे लगता है 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 कि ये कह रहे, सुकन्या बहन जिन्होंने लिखा है. Exactly. मैं जानती नहीं एग्जैक्टली exactly, लेकिन time, uh, एक बारी सैन फ्रांसिस्को में अनुभूति के लिए तो वो मना रहे थे अपने दस साल you know, me, I... और मेरे लिए मैं सिर्फ ट्रैवल कर सकते तो मैंने कहा ठीक है मैं नाइट की फ्लाइट लूंगी सुबह पहुंच जाऊँगी और अगले दिन रात को मैं दूसरी फ्लाइट ले लूंगी और वापस आ जाऊंगी और जब मैं वहां पहुंची तो थोड़ा मेरे से पहले चंद्र बहन बहुत सिक हो गए बीमार हो गए और फिर उनको इमरजेंसी में लेके गए और मैं जो महसूसता थी इतनी स्ट्रॉग महसूस भावना है कि मैं चली जाऊं तो तो ये अच्छा हुआ ना कि मैं वहां पे थी प्रोग्राम अच्छा हो गया और फिर मैं उनको देखने गई हॉस्पिटल में तो कई बार ये जैसे कि आत्मा महसूस करती है वो खींच जैसे कि अभी जाना चाहिए और चंद्र बहन मुझे बार बार कॉल करते रहते हैं मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ तो मैं ऐसे ही मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तो वो बात करती हैं जब भी उनको महसूस होता है तो वो हमें बात करती हैं हमसे फ़ोन करके तो खैर मुझे लगता है कि हमारी जो पवित्रता है शुद्ध स्नेह है तो आत्मिक स्मृति है तो वो बाबा को बीच में लाना तो ये जो सारे जरूर से अच्छे सहारा है चाहे ये शक्ति किसी को भी आत्मा को दे सकते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल है मेरे लिए बहुत ही लाभदायक धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद ये बहुत अच्छा था देव भाई धन्यवाद really uh, देव भाई कह रहे हैं कि मैं क्या लूंगा कि अगर हम सब में पूरी पवित्रता हो तो हमारे अंदर मैं कहूँ कि वो हमें कह सकते हैं हीलिंग पावर पर वो हमारे अंदर वो रूहानी शक्ति है और वो सही में देखना कि आत्मा के रूप में और पेशेंट नहीं ऐसे नहीं बीमारी नहीं देखना तो वही बहुत ज़रूरी है विशेष करके इस समय पर जैसे समय और कम कोमल होते जा रहे हैं नाजुक होता जा रहा है धन्यवाद धन्यवाद देव भाई धन्यवाद हम अगले हफ्ते आएंगे अगली कहानी के साथ